चाय की दुकान पर कुछ अपराधी जुटे थे। उनकी प्लानिंग डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम देने की हो रही थी। साथ ही साथ एक रिटायर्ड प्रोफेसर की हत्या की भी योजना बनाई जा रही थी। हत्या और डकैती की ये प्लानिंग पटना के चितकोरा इलाके की एक चाय दुकान पर चल रही थी। उसी चाय दुकान पर बगल में बैठा एक युवक अपराधियों की बातें सुन रहा था। कुछ समय बाद युवक पटना एसएसपी मनु महाराज के पास जा पहुंचा। युवक ने अपराधियों की पूरी प्लानिंग एसएसपी के सामने रख दी। रंजीत बोले सर उनके यहाँ पैसा है और मुन्ना उनका कोई हस्बैंड है, उनसे मिलवाया हमको रंजीत कि उनके यहाँ डाका डालना है। किनके यहाँ? मेनून मियाँ के हैं सर, मेनून मियाँ के हैं। ठीक है, उसके बाद बोले कि इकट्ठा कीजिए आदमी, तो हम इकट्ठा में लगे हैं आदमी। तो अब हमारा ऑफिस पहले से प्रॉपर्टी डीलर का है। कहाँ पे? अनिशाबाद। क्या करना था वहाँ? जमीनें खरीदी करते सर, वहाँ मतलब बोले कि हम मिलवाएं, तो बोला प्लानिंग किया जाए, तो हम वहाँ बैठे तो प्लानिंग हुआ सर। क्या करना था? क्या करना है? बात क्या हुआ था? किचन को वहाँ उनके यहाँ से पैसा लूटना है। हथियार मेरा जो भाई मरा था ना, वो रखा हुआ था घर पर सर, तो हम ले चले आए। ये हथियार कौन से है? मेरे घर पर मेरे भाई रखे हुआ था। अब अपराधियों की पूरी प्लानिंग एसएसपी मनु महाराज के सामने थी। फिर क्या था, एसएसपी मनु महाराज ने स्पेशल सेल के डीएसपी वीके शाही के नेतृत्व में एक टीम बना डाली। चार पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अपराधियों की पहचान हुई। फिलहाल एसएसपी की इस टीम ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गर्दनी बाग थाना अंतर्गत इमारत विला प्रोफेसर नूरुद्दीन अशरफ उर्फ नूर बाबा, जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और वर्तमान में शालीमार कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस के मालिक हैं, बहुत प्रतिष्ठित आदमी वहाँ के हैं, इनके यहाँ एक बड़ी डकैती और हत्या की घटना को अंजाम देने की प्लानिंग से पूर्व पांच अपराधियों को पकड़ लिया गया है। इनके पास से पिस्टल और जिंदा हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस पूरी घटना में इनका जो इनकी जो नौकरानी जो इनकी बहन के घर पर पूर्व में काम कर चुकी थी वो शामिल थी, उसकी प्लानिंग थी इसमें, और उसका पति मुन्ना वो भी इसमें शामिल था। उनके द्वारा ये प्लानिंग रची गई और पांच अपराधियों को बुलाया गया। पांच अपराधी जाते और इनके घर में डकैती करते और उसके बाद एक बड़ी घटना को अंजाम देते जिसमें संभवतः उनकी हत्या भी कर देते। पटना पुलिस की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि घटना होने से पूर्व ही इन अपराधियों को पकड़ लिया गया है और एक बड़ी घटना को रोका गया है। जाहिर है कि पटना में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर एसएसपी मनु महाराज काफी गंभीर हैं। किसी भी गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। ऐसे ही एसएसपी मनु महाराज के क्विक एक्शन का एक नजारा फिर से देखने को मिला। लाइव सिटीज के लिए पटना से अमित जायसवाल की रिपोर्ट।